एक दिव्य बालक को जब रूहानियत से भरा वातावरण मिलता है तो देवत्व के बीज स्वतः प्रस्फुटित होने लगते हैं। भोला जी को भी गुरु परिवार के आंगन में बहने वाली ज्ञान गंगा से आध्यात्मिक संस्कार विरासत में मिलते रहे। सदगुरु के वचन के सम्मुख नतमस्तक होना भोला जी को जन्म से ही अपने परिवार में देखने सुनने को मिला। आपने अपने माता पिता को बड़े करीब से बाबा अवतार सिंह जी की सेवा करते हुए देखा, जिससे आपके मन में सदगुरु के प्रति श्रद्धा, विश्वास और समर्पण की भावना और गहरी होती चली गई। आपके घर आंगन में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी की मूल शिक्षाएं हमेशा गूंजती रहती थीं कि मैंने तुम्हें नम्रता और प्रीत प्यार सिखलाया है, इससे उलट चलने वाले गुरु के शिष्य नहीं हो सकते। संतों की सेवा सत्कार का ढंग भी तुम्हें बता दिया है, इसे मानना आपका कर्तव्य है। आपकी दादी जगत माता बुद्धवंती जी एक आदर्श पत्नी व गुरु सिख होने के साथ साथ सेवा सत्कार की एक अद्भुत मिसाल थी। वो भक्तों और सेवादारों के भोजन पकाने, वस्त्र धोने जैसी सेवाएं खुद अपने हाथों से करके खुश होती थीं। आपने उनका ये गुण बचपन से ही अपने दामन में डाल लिया। जब भी कोई सेवा चल रही होती तो आप भी सेवादारों को लंगर खिलाने व पानी पिलाने की सेवा में लग जाते। आपने अपने पिता श्री गुरबचन सिंह जी को एक सेवादार की भांति सदगुरु के हर भाव को